और क्या बारबेक्यू विंग्स यहाँ पे हुए। तो अगर ये कढ़ाई के अंदर होती ना तो मैं शायद कढ़ाई में ही शुरू हो जाती। और मुझे क्योंकि मसाला ज्यादा पसंद है तो भुनी हुई कढ़ाई है ये भरपूर। ये रहा मक्खन। ओए होए 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 ओए होए। पीछे जो मेरे देख रहे हो आप, वहाँ पे ये पूरा जो क्रेजी किस्म का यहाँ पे लग रहा है सेटअप। और ये चाचा सबसे ज़्यादा है पूरा क्रेडिट। यार ये जब बनाना शुरू कर रहे होते ना, मैं सीधी बताऊँ, बिल्कुल फास्ट सर्विस पे जो है ना वो पूरी कढ़ाइयाँ बना रहे हैं। कैमरे से तो दिख रहा है, लेकिन गाइस यू गाइस हैव टू कम ओवर हियर और फिर देखना है यहाँ पे कढ़ाइयाँ कैसी किस्म की बनती है। यार इतना कोई कढ़ाई मशीन यहाँ पे ऑन है, यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं है। चीना कढ़ाई बहुत लजीजा और मटन कढ़ाई। अभी तक हमने ये तीन चीज़ें खाई हैं, चार चीज़ें, और बहुत लजीजा। हमारे कलीग्स भी खाते हैं यहीं पे आके। कढ़ाई यहाँ पर आ गई है और गाइस आप लोगों के लिए जस्ट टू टेस्ट इट मैंने क्या किया। इनकी जो छह किस्म की कढ़ाई है तो ये सारी चीज़ें इनकी बनती है कढ़ाई के अंदर। और मैंने हर चीज़ का जो है एक एक चम्मच इस पूरी थाल में रख लिया है। मज़ेदार सी फूली हुई हमारी तंदूर की रोटी आ गई है यहाँ पे। और ये जो इसका बबल तोड़ने का मज़ा है ना, ओ हो, इसकी सेटिस्फैक्शन ही अलग है। अच्छा भाई, सबसे पहले तो है ना मैं यहाँ पे टेस्ट कर रही हूँ इनकी ये जो प्रॉन कढ़ाई है, बिस्मिल्लाह करके इनका मैं बना रही हूँ लुकमा, एक मज़ेदार किस्म का। बिस्मिल्लाह यार, इतनी फ्लेवरफुल है ये प्रॉन कढ़ाई, इतनी जूसी है। वाओ, मतलब प्रॉपर टमाटर के मसालों में ये बनी हुई है और एक अलग ही प्रोफाइल हिट कर रही है जैसे ही आप इसका टेस्ट कर रहे हैं। मगर मक्खन के साथ लगा के खाऊंगी। सही है जी, ये मगर हमने लिया है क्रीम में। ये रहा मक्खन। ओए होए होए होए, इसको हमने लगाया और अब हम जा रहे हैं बीफ पे। कढ़ाई की प्रॉपर गेम ऑन हुई थी इस वक्त। अच्छा जी, अब हम जो जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं चिकन कढ़ाई पे। ओए होए होए होए, जो फ्लेवर है ना वो कढ़ाइयों को इतना एनहेंस कर रहा है, किसी भी तरह से कुछ भी ओवर पावरिंग नहीं हो रहा है। कीमा इज वन ऑफ माई फेवरेट डिशेज। वो रहे पुराना हसन भाई रेस्टोरेंट पे मैं आज आप लोगों को लेके आई हूँ। लाइव कढ़ाइयाँ यहाँ पे बनती है, लाइव गोश्त यहाँ पे कट रहा होता है। बेहतरीन किस्म का यहाँ माहौल बना हुआ है। ऊपर बैठने की सीटिंग है फैमिली और नीचे बनती है लाइव कढ़ाइयाँ। मटन हो गया हो, गोश्त हो गया हो, चिकन हो गया हो। ये जगह बहुत बहुत पुरानी है और यहाँ पे लोग दूर दूर से खाने के लिए आ रहे होते हैं। अच्छा भाई, आप ये देख रहे हो तो ये जो चिकन है यहाँ पे, ये बॉइल्ड हुई है, प्री बॉइल करके इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है। उसके बाद क्या होता है कि बेहतरीन किस्म की ये बनती है यहाँ पे कढ़ाई। बेहतरीन किस्म की कढ़ाई यहाँ पे आ गई है और इसी में खाना है। मैंने पहले ही अपना एक बाइट बना लिया, बड़े मज़ेदार किस्म का। एंड आई एम गोना टेस्ट इट नाउ। टू गुड। साथ में इन्होंने ये सैलेड भी दिया है और ऐसे मज़ेदार किस्म के इस तरह से थाल में इन्होंने मुझको ये रोटियां दी हैं जो कि खुद नीचे तंदूर में बनी हुई हैं। एंड ऑल्सो हैव गिवन मी दिस अमेजिंग सरप्राइज़। तो आज अब हमें क्या बना के खिला रही हैं फिर? आज हम आपको चिकन कढ़ाई, चिकन इसलिए बना रहे हैं कि चिकन ना बहुत जल्दी बन जाता है। आप लोग जो है अपने हिसाब से मसाला डालें इसमें, क्योंकि कुछ लोग कम मसाला पसंद करते हैं, कुछ ज़्यादा मसाला पसंद करते हैं। अब इसको हम रख रहे हैं गलने के लिए चिकन को 10 मिनट के लिए। कढ़ाई बिल्कुल तैयार है, ये आप लाजमी बनाइएगा और खा के बताइएगा और मुझे दुआएं दीजिएगा बहुत सारी। देखें इसका लुक, देखें इतना ज़बरदस्त हो रहा है। मुझे क्योंकि मसाला ज़्यादा पसंद है तो भुनी हुई कढ़ाई है ये भरपूर, बहुत ज़्यादा मज़े की है। जैसे आप हाईवे पे जाके कढ़ाई खा रहे होते हैं ना, बस एक फ़र्क है ये कढ़ाई के अंदर नहीं है, ये ना इस तरह के ऐसे प्याले के अंदर है। तो अगर ये कढ़ाई के अंदर होती ना तो मैं शायद कढ़ाई में ही शुरू हो जाती। जयाउद्दीन हॉस्पिटल के पीछे एक बहुत ही मज़े की यहाँ पे छोटी सी इन्होंने फूड स्ट्रीट बनाई हुई है, जो बेसिकली जयाउद्दीन के जितने भी आपके कोलीग्स वगैरह होते हैं वो भी यहाँ पे आके खा रहे थे। मैंने छुपके से देखा था उनको। और क्या बारबेक्यू विंग्स यहाँ पे हुए। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये मैरिनेटेड विंग्स यहाँ पे रखे हुए और इनका बहुत मज़े का यहाँ पे सेटअप रखा हुआ है कि आई गेट यू नॉट, एक बार तो ट्राई करना जरूरी है।
तो भाई हमारी कढ़ाई यहाँ पे बन चुकी है, ये देखें जी, आपको मैं क्लोजअप एक दिखा देती हूँ। ओए होए, पानी आ रहा है मेरे मुंह पे और मैं जो हूँ ना इसको ऐसे ही खाने का करने वाली हूँ। गाइस आई नो कि आप लोग कह रहे होंगे रोटी से क्यों नहीं खा रही है, तो भाई ये विंग्स की कढ़ाई है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सादी खाऊं, क्योंकि सादी खाने में मज़ा है। भाई ये रही यहाँ पे अफगानी रोटी इन लोगों की, और मैंने सोचा कि क्यों ना यार जब गरम गरम तंदूर के अंदर से निकलती है ना ये, ओए होए होए, इसको खाने का ना अलग ही मज़ा है। ये देखें बहुत मज़े की है ये।